क्या यार समीर बार बार फोन क्यों देख रहे? उठाना फोन और सृष्टि को फोन लगा। नहीं नहीं मैं क्यों लगाऊं सृष्टि को फोन? अच्छा भला मैं वीडियो कॉल कर रहा था, मेरा थोड़ा एंटरटेनमेंट हो रहा था, उसी ने मेरे मुंह पे फोन काटा। नहीं नहीं मैं उसे कॉल नहीं करूंगा, बाहर में जाए। यार एक्चुअली समीर गलती तेरी है यार, तूने उसे मिट्टू बुलाया। अब तू किसी को मिट्टू बुलाएगा तो कोई भी चिढ़ेगा ना यार। चल छोड़ यार ईगो वीगो छोड़, सृष्टि को वीडियो कॉल कर, देखते हैं मैडम क्या कर रही है। अब ये मुझे क्यों वीडियो कॉल कर रहा है? हाँ और चिढ़ाना चाह रहा होगा मुझे इस नाटे बटले की। तुम्हें फिर से फोन काट दिया, अब तो मैं से कभी कॉल नहीं करूंगा। आ गई ना लाइन पे। हेलो लंबू कैसी हो? कैसी हो क्यों, तुम्हें किसने बताया कि मैं किसी हॉस्पिटल के आईसीयू में हूँ? से क्यों बात कर रही हो यार, मैं तो सिर्फ तुम्हारा हालचाल पूछने के लिए फोन किया था। बताओ मुझे पता है कि तुम नॉर्मली भी कितने अबनॉर्मल से होते हो, और मुझे बार बार फोन करके परेशान करने की कोशिश मत करो, समझ में आई तुम्हें बात? मुझे पता है तुम मुझे क्यों फोन कर रहे हो, मेरे बालों को देखकर मुझे चिढ़ाने के लिए, राइट? और एक मिनट, बहुत हंसी आ रही थी तुम्हें, किसने अब दिया मेरा मजाक उड़ाने का? किसने अब दिया बताओ? ना फैशन का पता है ना हेयर स्टाइल का, बात करते हो, ये इंसान भूलूंगी नहीं मैं कभी, समझ में आई तुम्हें बात? तुम भी यार कितनी सिली हो यार सृष्टि, जब देखो मेरे बारे में गलत ही सोचती हो। और सच बताऊं तो तुम्हारा हेयर कलर देखते ना मैं नॉकआउट हो गया यार। क्या देखता रहा था वो पैरेट वाला हेयर कलर, कमाल, माइंड ब्लोइंग। अच्छा अच्छा लग रहा था तुम्हें तो बड़ी हंसी आ रही थी, फिर हंस क्यों रहे थे तभी? हाँ तो क्या हुआ यार, हंसना सेहत के लिए अच्छा होता है यार, हंसता खेलता बंद हो यार, इसमें तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? और तुम ही बताओ सृष्टि की जिंदगी सिर्फ रोने धोने के लिए बनी है? नहीं ना फिर। अच्छा वो कलर अच्छा था ना? अच्छा अरे सृष्टि माइंड ब्लोइंग था, माइंड ब्लोइंग। सुनो ना मिट्टू, सॉरी सॉरी सृष्टि। देखो यार जो तुम पटर पटर चपड़ चपड़ करती हो ना, थोड़ी पगली लगती हो, लेकिन जो तुम्हारा तोते वाला रूप है ना, इसे तो मेरे तोते ही उड़ा दिए। क्या क्या इफेक्ट था यार, मतलब आई एम स्टिल इन शॉक। अच्छा तो इसका मतलब तुम फिर से मुझे चिढ़ा रहे हो ना, क्या मैं इतनी बुरी हूँ, इतनी गंदी दिखती हूँ क्या मैं? नहीं सृष्टि तुम ऐसे रो मत, मैं मजाक कर रहा था यार। झूठ बोल रहे हो, तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो, तुमने और लाइफ में क्या तुमने सिंगल बार भी मेरी तारीफ की है? तुमने मुझे पगली बोला है, और पगली तो ठीक है यार, अगली बोलोगे तो कैसे बर्दाश्त करूंगी? सॉरी सृष्टि मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था यार, तुम तो बहुत सीरियस हो गई। मुझे पता है तुम बहुत ज्यादा बोलती हो, लेकिन जब भी बोलती हो ना एकदम अकल की बात करती हो, ट्रस्ट मी। और लंबी हुआ तो क्या हुआ यार, अरे क्या गजब की हाइट है तुम्हारी, अच्छी अच्छी रैम मॉडल्स तुम्हारे सामने फेल है। हाँ तुम्हारा चलने का अंदाज थोड़ा अलग है, जब देखो यूं गिरती फिरती रहती हो, लेकिन ट्रस्ट मी मैं हूँ ना, मैं तुम्हें संभाल लूँ। लेकिन बेस्ट पार्ट तुम्हारी ये है, जो तुम्हारा जो मस्ती माहौल वाला एटीट्यूड है ना, आई लव इट। मेरी खिंचाई करती हो, लेकिन इट्स अ लॉट ऑफ फन। बुद्धू राम तेरी खिंचाई ही तो कर रही हूँ मैं, कौन सा असल में रो रही हूँ। क्यों कैसे लगी मेरी आज से, डर गए थे ना तुम? बन गए ना फिर से बेवकूफ, फंस गए इसके जाल में। अब मुझे पता चल गया है कि तुम मुझे कितना लाइक करते हो। मैं सीरियसली सृष्टि को इतना लाइक करता हूँ? ये लुक समीर को अच्छा लगेगा पक्का, क्योंकि अब मैं पैरट जैसी नहीं दिखती। मैं अपना हेयर कलर चेंज करने के लिए रेडी हूँ। बड़ी बहन इतनी देर से मनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इसने बिल्कुल नहीं सुनी। लेकिन हाँ एक बार इसके मंगेतर ने क्या कह दिया, झट से बात मान ली। ये दी बिना कुछ ज्यादा स्मार्ट बनती है। आई डोंट लाइक माय टांग की चाय। मैम कुछ कहा आपने? अरे नहीं कुछ नहीं, मेरी दी नहीं आई ना। नो मैडम अभी नहीं। अभी आती हूँ कहकर गई थी, कहाँ गायब हो गई थी यार? तुम इसलिए जल्दी हो क्योंकि वो लड़के तुमसे ज्यादा गुड लुकिंग है, उनके बाल तुमसे ज्यादा अच्छे, उनके गाल तुमसे ज्यादा गोरे हैं, और उनके हाथ
तुमसे ज्यादा सॉफ्ट है। छी 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 छी, तुम्हारे हाथ देखो कैसे पत्थर जैसे हैं। अब सुनो, ये तुम्हारे पास कुछ है लोशन एंड ऑल हाथों पे लगाने, इसे प्लीज सॉफ्ट कर दो ना वगैरह। ओके मैम, मैं आपके लोशन लेकर आती हूँ। थैंक्स। ये को फोन लगाती हूँ, पूछो तो सही कहाँ गायब हो गई है। अरे फोन ही नहीं उठा रही है। अरे यार ये दी मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही है, किसके साथ लापता हो गई है दी? करण सर के साथ तो नहीं? बहुत शाणे हो आप दी, मुझे समीर के नाम से चिढ़ाते रहते हो और खुद करण सर के साथ उलझते रहते हो। अब देखना, एक मौका नहीं छोड़ूंगी मैं आपको चिढ़ाने का। सृष्टि अरोरा। अरे सरला, वो जो मेरी वो मरून वाली कमीज है ना, वो तुमने देखी? हाँ बीजी वहाँ है। मैं पूरी अलमारी में इसको ढूंढू के मर गई। अरे आपको अभी पहननी है क्या, तो बोल दो मैं अभी प्रेस करके दे देती हूँ। नहीं बेटा, आप तुझे ही देना था प्रेस के लिए, इसलिए तो ढूंढ रही थी। तो कैसे ना लाती हूँ, मैं तो आपकी मन की बात पहले ही जान लेती हूँ, मुझे पता था इसीलिए तो उठा के ले आई। इतने सालों से तू मेरे साथ है, अभी भी नहीं समझेगी तो कौन समझेगा, नहीं समझेगी तो मैं तेरी तबा दूंगी। हाँ, मामा प्रीता जी कहाँ है? अरे तूने तो फोन किया था और वो गई एकदम भागी भागी, तुझे मिली नहीं क्या? तो क्या वो अभी तक वापस नहीं आई क्या? अरे लेकिन पर वो तुझे मिलने कहाँ आई थी? आप लोगों की गलती नहीं है, गलती इसकी है, इसमें तो दिमाग पहले से ही कम है। आप ये कलर हटा दीजिए, बहुत बेकार लग रहा है। दादू बस यही पास में बुलाया था, बहुत जरूरी बात करनी थी दी से, लेकिन मैं फिर बिजी हो गई और वो अचानक से चली गई। मुझे लगा मेरी बकबक सुन के परेशान हो गई होंगी इसलिए घर आ गई होंगी, लेकिन अरे पर अब तो घर आ जाना चाहिए था ना, वो कहाँ चली गई? और टेंशन लेने की जरूरत नहीं, रीता की बात है ना, रीता बड़ी हमारी समझदार लड़की है। हाँ अगर इस पगलौट की बात होती ना तब गड़बड़ हो सकती थी, ये तो पता नहीं कब क्या गड़बड़ कर दे, कुछ कह नहीं सकता। पर रीता ऐसी नहीं, रीता बहुत समझदार लड़की है, जरूर कुछ उसको जरूरी काम पड़ गया होगा। हाँ ये भी हो सकता है कि ऋषभ की दादी की तबीयत ही खराब हो गई, उनको देखने चली गई हो और जल्दी में गई होगी तो हमें बताना भूल गई। लेकिन अगर ऐसी कोई बात है तो फिर दी मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही है? घर आते भी उनको इतने कॉल्स किए लेकिन कोई रिस्पॉन्स ही नहीं। सृष्टि हाँ तेरी तबीयत तो ठीक है ना, तू क्या सोच रही है? तू एक काम कर, तू अंदर जा, मैं तेरे लिए एक कप चाय बना के लाती हूँ, कुछ खाने के लिए लाओ। अरे नहीं नहीं मामा चाय नहीं प्लीज, मुझे बहुत सारे डिजाइन चेक करने, मैं आती हूँ मुझे बहुत काम है। अरे चाय तो जब देखो ये हवाई घोड़े पे सवार रहती। अरे यार, अरे मेरा दूसरा वाला क्लच कहाँ है, यही रखा था यार। अरे यार ये डी भी ना अपने साइड का कबर्ड छोड़ के मेरे साइड वाले कबर्ड में अपनी सारी चीजें रखती है। हाँ रख दिया मैंने यार, छुटकू सा तो है, मिल क्यों नहीं रहा है? ओह गॉड, अरे ये क्या हो गया, मेरी और दी की फोटो, ये कांच कैसे उड़ गया अचानक से? गूज़बम्प्स, मुझे अजीब सा क्यों फील हो रहा है, घबराहट क्यों हो रही है? आई होप ये ठीक हो। गॉड ये तो ठीक है ना, फोन करो क्या ठीक हो? ओ गॉड प्लीज मेरे दी को सही सलामत रखना। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब मेरी बात सुनिए। ओपो मैडम, मैं आपकी एक बात को कितनी बार सुनूंगा, मैं जा रहा हूँ चाय पीने के लिए, आपका फोन बज रहा है, बात कर लो आप। हेलो डी, अरे कोई तरीका होता है क्या? मैं आपको कब से फोन किए जा रही हूँ और आप मेरा फोन क्यों उठा रहे हो? आपको पता है यहाँ पे ना अपना फोटो टूट गया, मेरा मतलब है फोटो फ्रेम का कांच टूट गया, एकदम वो टिपिकल हिंदी बॉलीवुड मूवीज में नहीं बताते हैं कि कांच टूटने पे एकदम अजीब सा फील हो रहा है, मुझे भी ऐसे गूज़बम्स आए दी, और घबराहट से फील हो रही है। पहली बात तो आप मेरी घबराहट दूर करो, आप ठीक तो है ना? हाँ सृष्टि मैं ठीक हूँ।
यू आर ओके ना? दीदी दी, एक मिनट, कुछ ठीक नहीं है, मैं आपकी आवाज पहचानती हूँ। आप ऐसे क्यों बात कर रही है, बोलो ना प्लीज। साफ साफ होता मुझे बात क्या है, आप पार्लर में भी नहीं वापस आए और मुझे लगा कि आप घर चली गई होंगी। मैं घर पे आके देख रही हूँ तब भी आप नहीं थे, कहाँ हो दी आप बताओ ना। पुलिस